बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज। कराची तैमूरिया थाने ने खतरनाक स्ट्रेट क्रिमिनल गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान की शनाख्त नूर जमीन उर्फ नूरी वल्द बख्त जमीन, जुबैर वल्द अमीर नवाब, अब्दुल रहमान बलोच वल्द मतलूब हुसैन के नामों से हुई। मोटरसाइकिल का मुकदमा थाना नोट नाजाबाद में दर्ज है। मुलजिमान ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ किया। मुलजिमान नॉर्थ नाजाबाद थाने के कत्ल समेत पाकिस्तान बाजार दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीशी के हवाले कर दिया गया। सरबराह कतर में अमीरी नेवल फोर्सेस की सरबराह पाक फिजाया से मुलाकात, तर्जुमान पाक फिजाया। दोनों मुअज़्ज़िज़ीन का पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पेशा वराना महारत और एविएशन इंडस्ट्री में खुद अंसारी की तरफ गामजन पाक फिजाया काबिले तारीफ है। मेजर जनरल अब्दुल्ला बिन हसनुल सोलेती। पाकिस्तान और कतर के माबेन दरीना मजहबी सकाफती और तारीख पाकिस्तान और कतर के माबेन दरीना मजहबी सकाफती और तारीखी एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधो। सरबराह पाक फिजाया का दोनों बिरादर ममालिक की फिजाई अफवाज के माबेन तालुकात को मजीद फरोग देने का अजम, तर्जुमान पाक फिजाया। सिंध पुलिस में 16 ग्रेड के 350 इंस्पेक्टर को 17 ग्रेड में तरक्की दे दी गई है, जिसका बकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची एक साल में बेकरी आइटम की कीमतों में 10 से 15% तक इजाफा। नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली ब्रेड की कीमत 50 से 70 रुपए के दरमियान हो गई। कंपनी की जानिब से तैयार करदा डबल रोटी की कीमत 100 रुपए से तजावुज कर गई। एक साल पहले 80 रुपए मिलने वाली डबल रोटी 120 रुपए तक पहुँच गयी। पापों की कीमत में भी इजाफा। इजाफी कीमत का बोझ खरीदार को उठाना पड़ेगा।